students, we are continuing with our chapter on PDES and related concepts. Now we are heading for the savings function. Now what is savings function? It is functional relation of S, whole of savings, and income, that is Y. So it is a functional relation of S and Y. And as usual, Y increasing, savings will be increased. Y decreasing, savings will be decreased. So you will get a upward sloping savings curve or S curve. Savings कौन show करते बेटा S. Okay. Now schedule बनाना बहुत आसान है. If you remember हमारा जो earlier हमने consumption schedule बनाया था, savings schedule वहीं से बनेगा. देखिएगा savings schedule कैसे बनेगा. Column of Y, column of C, Y income, C consumption. Y का हमारा trick constant changes in Y, यानी डेल्टा Y को हमने रखा constant 20 के चेंज पे. ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सेम वे C. Now Y can be zero, but C can't be zero minimum level of consumption की वजह से. ये आया हमारा C bar. ये आया हमारा बेटा C bar. अब मैं यहां ले रहा हूं 10 के चेंजेस. तो मेरा डेल्टा C जो है वो आ रहा है 10. यानी चीजें वही रखी मैंने, डेल्टा Y, डेल्टा C कॉन्स्टेंट है, बट हर टाइम डेल्टा Y इज ग्रेटर देन डेल्टा C. ओके, एक चीज और, C का लेवल मैंने जीरो नहीं रखा है. C का लेवल मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन शो करने के लिए मैंने जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन किया है. ओके, नाउ अब S कैसे निकलेगा? तो S का फॉर्मूला होता बेटा Y माइनस C. इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, आपको सेविंग्स का फिगर मिल जाएगा. अब देखिएगा 0 माइनस 10 नेगेटिव 10, 20 माइनस 20 0, 40 माइनस 30 10, 60 माइनस 40 20, एंड 80 माइनस 50 दैट इज 30. सो ये आपका सेविंग्स का शेड्यूल तैयार होगा. एक और रफली दूसरा एक शेड्यूल बना के देख लेते हैं. सेविंग्स शेड्यूल Y 0, मैंने इस बार रखा है 10 का गैप. ओके, इस सेविंग्स में मैं ले लेता हूं सपोज ये फिगर ले लिया मैंने 440 गैप पे. Y में डेल्टा Y का गैप है बेटा 10, डेल्टा C आ बेटा 4. ठीक है, S की बात है, S का फॉर्मूला होता बेटा Y माइनस C. सो 0 माइनस 12 माइनस का 12, 10 माइनस 16 माइनस का 6, देन 20 माइनस 20 दैट इज 0, 30 माइनस 24 दैट इज 6, 40 माइनस 28 दैट इज 12, एंड 50 माइनस 32 दैट इज 18. सो यू कैन सी वेरी इजी टू फाइंड सेविंग्स शेड्यूल. अब देखिएगा कुछ एक बातें यहां आप देख सकते हैं इस वाले शेड्यूल में कि आपने अगर ध्यान से देखा हो ये वही कंजम्पशन शेड्यूल है जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था. आप देख सकते हैं यहां तक नेगेटिव सेविंग चल रही है. और ये नेगेटिव सेविंग कब चल रही है? जब नेगेटिव सेविंग तब चलती है बेटा जब Y और C में C बड़ा है. यहां इस लेवल में आके बेटा और जीरो सेविंग्स होगी. जीरो सेविंग कब होगा? जब Y और C बड़ा होगा. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है, इधर Y और C में C बड़ा था, इधर Y और C में दोनों बराबर हैं, तो Y C के बराबर होने पे जीरो सेविंग्स होगी. और इसके बाद हमेशा आप देखेंगे कि Y इज ग्रेटर देन C, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव सेविंग्स है.
y is greater than c, so positive sign. वो की वो चीज आप यहाँ देख सकते हैं, इस लाइन तक मैंने आपको दिखाया है कि y और c में c बड़ा है, तो जब y और c में c बड़ा होता है तो सेविंग्स का फिगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेविंग चल रही है। एक चीज और यहाँ पर है y equals c, तो y equals c पे जीरो सेविंग्स होगी, क्रॉस चेक कर लीजिए आप, और y और c में जब y बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव सेविंग्स का फिगर आएगा। ओके, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं बेटा, तो ग्राफ को प्लॉट करते समय ये आपका ग्राफ है। अब इस बार आपको 45 डिग्री की लाइन खींचो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं खींचो तो भी काम कोई इंपॉर्टेंट रोल उसका नहीं है, क्योंकि देखिएगा आपका जो एस का लाइन आएगा या सेविंग्स फंक्शन का लाइन आएगा, मैं फंक्शन का एस लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, अगेन बेसिक बातें वही, हमें दोनों तरफ का गैप कांस्टेंट रखना है बेटा, ये आपको मैंने बताया था इस चैप्टर में, ये सबसे खास बात यही है, ये आपका कांस्टेंट गैप हो गया। यहाँ पर आप y आउटपुट या जीडीपी कुछ भी शो कर सकते हो, इस जगह आप कंजम्पशन और सेविंग्स शो कर रहे हो, और अभी क्योंकि हमारा सेविंग्स नेगेटिव साइड में जा रहा है तो हमें नेगेटिव साइड में भी सेविंग्स पे जाना पड़ेगा, ये सेविंग्स नेगेटिव साइड शुरू हो। अब देखिएगा जीरो लेवल की इनकम पे हमारी नेगेटिव टेन सेविंग है, तो नेगेटिव टेन आएगा बेटा कहीं यहाँ। ओके, उसके बाद 20 पे 20, सेकंड चीज यहाँ, उसके बाद 40 पे 30, उसके बाद एक ग्राफ इस तरीके से ट्रैवल करने लग जाएगा, जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, ये आपकी एस लाइन। इस दौरान इस ग्राफ पे आप 45 डिग्री की लाइन खींचो तो भी चलेगा, नहीं खींचोगे तो भी चल जाएगा। 45 डिग्री की लाइन बनाने का तरीका आपको बता रखा है बेटा, ये y लाइन आपकी AS लाइन 45 डिग्री पे बनती है। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग्स ये आती है बेटा एट जीरो लेवल इनकम। जीरो लेवल इनकम पे आप देखिएगा कि कंजम्पशन का फिगर ट्रिकी आ रहा था और वाई और सी में सी बड़ा था, तो इस समय हमें सेविंग्स तो होगी बट वो नेगेटिव सेविंग्स होगी, हमें हो रही है मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग्स, दैट इज जीरो लेवल पे जो इनकम पे हमारी सेविंग्स आ रही है बेटा नेगेटिव है, ये जो है ये इसको बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग। जीरो लेवल की इनकम पे जो हमारी सेविंग्स का फिगर आएगा वो आएगा मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग, जैसे ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन था तो वैसे ही मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग्स है, या इसको हम चाहें तो ऑटोनॉमस सेविंग्स भी कह सकते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग बोलो या ऑटोनॉमस सेविंग बोलो बेटा बात एक ही होती है। इसको दिखाने का तरीका है एस बार। अब एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो फिगर आया ये है एस बार का, और ये जो फिगर है सी बार का है, यानी आप देखेंगे तो c बार आ रहा है बेटा 10 और s बार आ रहा है नेगेटिव 10, न्यूमेरिकली दोनों 10 10 है, बस इनमें सिंबल का फर्क है, यानी मैं कह सकता हूं कि s बार का मतलब क्या होता है, जो c बार का फिगर है उसको नेगेटिव में लिख दो, c बार का जो फिगर आ रहा है उसको नेगेटिव में लिख दो तो s बार का फिगर मिल जाएगा। नंबर 2, जहां पर और इस समय तक ध्यान रखिएगा नेगेटिव सेविंग कब तक होगी, नेगेटिव सेविंग तब तक होगी जब y और c में c बड़ा है, y और c में जब तक c बड़ा रहेगा तब तक नेगेटिव सेविंग चलती रहेगी, इसके बाद जीरो सेविंग्स आएगी। जीरो सेविंग्स तब आएगी बेटा जब y और c बराबर होगा, y और c बराबर होगा उस जगह जीरो सेविंग्स होगी। और तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद सेविंग्स का फिगर पॉजिटिव हो जाएगा, y ग्रेटर देन c हो जाएगा। इसको हम चाहें तो यहाँ पर इस ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं, इफ यू रिमेंबर आपको पता है कि जब हम y वाला ग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो हमने बताया था शुरुआत में, आपको शुरुआत में था कि आपका इस लेवल तक y और c में c बड़ा है, उस समय तक आपकी सेविंग्स क्या चल रही बेटा, ये नेगेटिव सेविंग्स चल रही है। जहां पर आपका y और c बराबर होगा, अब जैसे अभी मैंने ग्राफ में डिस्पैरेंसीज मिलेगी, लेकिन अगर इसको प्रॉपर्टी आप स्केल वगैरह का प्लॉट करके देखोगे तो जहां y इक्वल c होगा बेटा वहां जीरो सेविंग्स होती है, हमारे जीरो सेविंग्स बेटा आई थी इधर, देखिएगा y और c
20 लेवल में जब बराबर आ रहा है ना, तो ये आपका 0.1 है, जहां पर हमारा y लाइन या जहां पर हमारा सेविंग्स लाइन x एक्सिस को टच करेगा, सेविंग्स लाइन x एक्सिस को क्रॉस करेगा, सेविंग्स लाइन टचेस और क्रॉसेस x एक्सिस, वहां पर हमारा जीरो सेविंग्स होगा। और इसके बाद ये सारा फिगर जो चल रहा है यहां पॉजिटिव सेविंग्स है। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले नेगेटिव सेविंग जहां पर y स्मॉलर देन c है, जीरो लेवल की सेविंग पे y और c बराबर होगा, जीरो लेवल की सेविंग पे हमारा s लाइन x एक्सिस को टच करना शुरू कर देता है, ये टच किया और इसके बाद ऊपर निकल जाता है, स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड हो जाती है, तो पॉजिटिव सेविंग के टाइम y और c में y ग्रेटर होगा।